दरभंगा में लगातार अतिक्रमणकारियों पर सरकारी बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में केदराबाद से लेकर बाघ मोड़ तक सड़क किनारे बनाए गए स्थायी और अस्थायी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। बता दें, कार्यवाही इतनी तेज थी कि दुकानदार को अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। लगातार बुलडोजर से एक एक कर सैकड़ों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं निगम कर्मी ने कहा कि नगर आयुक्त कुमार गौरव के आदेश पर यह कार्यवाही की जा रही है। एक सप्ताह पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन दुकान नहीं हटाई गई, जिसके बाद यह कार्यवाही की जा रही है। वहीं दुकानदार ने कहा कि बिना कोई सूचना दिए गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार के द्वारा सिर्फ जानबूझकर गरीब को टारगेट किया जा रहा है। हाँ सर, पॉलिटेक्निक चौक के सामने में हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर है, लेबर है, फूट पाट पे दुकानदारी करते हैं, कोई काम रोजगार नहीं है। कोई आदेश हम लोग को नहीं मिला, ना कोई नोटिस मिला, और अटेंडेंट आके और बुलडोजर भिराकर तोड़ फोड़ दिया, जिसके कारण मेरा हाथ गुजरी गुजरी हो गया। सरकार और कोई भी शासन, कोई प्रशासन गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ पूंजीपति और पैसे वाले के लिए है। गरीब को कोई देखने वाला नहीं। अभी कहाँ पर उजारा जा रहा है? अभी पॉलिटेक्निक चौक के सामने कैदराबाद बस स्टैंड में, जो पुराना बस स्टैंड था। किनके द्वारा उजारा जा रहा है? ये बोल रहे हैं कि नगर आयोग के द्वारा उजारा जा रहा है, मगर हमको ये कन्फर्म नहीं है कि नगर आयोग का आदेश है। क्या चीज का दुकान था आपका? हमारा चश्मा और बेल्ट का दुकान था, जीवन पालन कर रहे थे। हमारी नगर आयुक्त आदेश से ही हो रहा है। हम लोग परसों बृहस्पतिवार को सारे दुकान वाले को बोले कि अपना अपना खोल ले भाई, विक्रमण होने वाला ये भी कई बार ये लोग नहीं थे। आज मजबूरन हमको चला के छोड़ना पड़ा। एक तो और ये बिजली विभाग जो है, सारा ये लाइन इसमें कैसे मीटर बैठा के दिया हुआ है। अभी देखिए अतिक्रमण के दौरान एक तार टूट गया है, इसके चलते बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है। अब बताइए किस आधार पर इसको को लाइन दिया हुआ है? इसमें ये कैदराबाद दुर्गा मंदिर से बस स्टैंड।